संसार की महानतम संस्कृति की प्रणेता भगवान बुद्ध को प्रणाम, महावीर को प्रणाम, क्योंकि सब ने अपने समय में बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और उसी से विश्व का कल्याण हुआ है। आज एक बहुत ही जरूरी, आज के संदर्भ में मैं एक अपनी मन की बात विश्व के सामने रखना चाहता हूँ, नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। और इस वयोवृद्ध व्यक्ति की युवक जैसे शरीर में, आत्मा में जो विचार आए हैं वो मैं मन की बात ज़रूर कहूँगा। बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि आजकल पूरा विश्व जो है एक विष युग में बदल गया है। बीमारियाँ, महामारियाँ और दूसरी तरफ महायुद्ध की बातें, लड़ना झगड़ना और सत्ता का संतुलन बिगाड़ना और सत्ता का प्रदर्शन करना, शक्तियों का प्रदर्शन करना एक आम बात हो गई है। जितने महान महान शक्तिधर हैं वो सब शांति की बातें भूल करके, प्रेम की बातें भूल के, करुणा की बातें भूल करके युद्ध को ललकार रहे हैं। और ये जो विषयुग है वो अपना रंग लाने लगा है और लड़ाई का माहौल तैयार हो रहा है। इस बीच में एक महापुरुष है, एक व्यक्ति है, एक सोच है, जो हम लोग उनको परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र भाई को कहते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि नरेंद्र भाई में, हो सकता है दूसरे भी महान नेताएं हैं, सब में है ये शक्तियां तो, पर मेरा दृष्टिकोण, मेरा इंगित जो है उनकी तरफ जा रहा है कि उनकी तरफ विश्वास क्यों बढ़ रहा है कि आज सारा विश्व उनकी बातें नम्रतापूर्वक सुन रहा है, समझ रहा है, मान रहा है। तो यदि वो प्रयत्न करें इस विश्व युग को समाप्त करके अमृत युग में बदलने का, तो सारा संसार जो बहुत सर्वनाश में जा रहा है वो अमृत युग में बदल सकता है, प्रेम में बदल सकता है, करुणा में बदल सकता है, स्नेह संपदाओं में बढ़ सकता है, सारी संसार की वापिस आर्थिक और सभी ढंग से उन्नति हो सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब जाकर के श्रद्धेय ने कहा अब समाप्त हो चुका है वो युग जो विस्तारवाद का था, विस्तारवाद ख़त्म करो, विस्तारवाद की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है आर्थिक और सामाजिक क्रांति की और आर्थिक युग के, प्रेम की, करुणा की, द्वेष समाप्त करने की। यदि हम लोग, मुझे अच्छा लगा कि अभी इनकी बातों का प्रभाव हमारे पड़ोसी राष्ट्रों पर भी कुछ हुआ है और चीन ने वाकई एक अच्छे मित्र की तरह, अच्छे भाई की तरह युद्ध को नहीं ललकार करके पीछे हटने का प्रयत्न किया है। और उसको आप गलत मत करें, उसको हार मत समझें, हार में बड़ी भारी जीत है। वो बहुत कम बोलता, आपने देखा होगा बहुत कम स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्यों कि वो एक महाशक्ता के रूप में सामने उभर आया है। यदि सचमुच वो भगवान बुद्ध की परंपरा को मानने लगे हैं, क्योंकि मुझे याद आ गया है कि आज उनके मन में बुद्ध के उपदेश, बुद्ध की भावनाएं, बुद्ध के विचार शायद कहीं कोने में लगे हुए हैं। डर भय से होता है ऐसा नहीं है, भय से क्रांति नहीं आ सकती, भय से भय बढ़ता है और भय सर्वनाश का कारण होता है। प्रेम से प्रेम बढ़ता है, प्रेम से संसार को जीता जा सकता है और अमृत युग उत्पन्न हो सकता है। फिर से मैं एक बात कहता हूँ कि सारे संसार में घृणा और द्वेष जो फैला हुआ है वो समाप्त करें,
और वो उपदेश से भी होता है। भगवान बुद्ध की वो बातें आज विश्व क्यों मान रहा है, क्योंकि उनके उपदेश में बहुत बड़ी ताकत थी। परंतु वो उसका उपदेश कब लगा, कहते हैं कि बुद्धि जल्दी से जल्दी ठिकाने नहीं आती है, जब मार पड़ती है तब। सारे विश्व को उस समय, जो हमारा विश्व था, हमारा देश था, अशोक के समय में, कलिंग के युद्ध में, जब जीतने के बाद में उसको वो जो हिंसा हुई और सर्वनाश हुआ, वो उसको हार से भी ज़्यादा प्रताड़ित करने लगी है। तभी उसने वो भगवान बुद्ध की शरण में गए और भगवान बुद्ध ने उन्हें जो उपदेश दिया, और वो हमारी महान परंपरा की महान धनी। उन्होंने वो सब कुछ त्याग, सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री और अपने पुत्र को एशिया के महाद्वीपों में जहाँ जहाँ जा सकती थी वहाँ वहाँ धर्म प्रचार, धर्म मतलब प्रेम के प्रचार, धर्म मतलब स्नेह के प्रचार, धर्म मतलब उस समय शांति के प्रचार के लिए भेजा, और उसका प्रभाव पड़ा और युग बहुत वर्षों तक रहा, और उस प्रभाव से संसार के अंदर लड़ाइयाँ कम हो गई, घृणा कम हो गया, द्वेष कम हो गया, और पूरे एशिया महादेश में एक बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व उपदेश के रूप में परिवर्तन हुआ। और मैं देखता हूँ, मेरे मित्र जाके जब आते हैं चीन, शंघाई या उधर देशों में, तो वो कहते हैं कि प्रवीण जी, एक ड्राइवर की गाड़ी में भी बुद्धा की वो ब्लाफिंग बुद्धा प्रतिमा होती है कि आप कल्पना भी नहीं, और वो भी बड़ी कॉस्टली होती है। क्या केवल प्रतिमा कर मन टिक गया है या उपदेश पर भी टिका हुआ है? हमारा भी उद्देश्य है, हमारा भी प्रयत्न होना चाहिए कि हम किसी राष्ट्र को उकसाए नहीं। आजकल मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि मीडिया चारों तरफ से घृणा और द्वेष, अपमान और घृणा की बातें फैला रहा है। सत्य कहें तो उनके हिसाब से वो उनका कर्तव्य है, वो अपनी बात कहें, परंतु सत्य यह है कि जब तक विश्व जो है मैत्री भावना में नहीं आएगा, मैत्री के भाव नहीं बढ़ाएगा, मैत्री और करुणा वो मन से उत्पन्न होती है, मैत्री की भावना जो है वो ही विश्व को बचा सकती है। आचार्य महाप्रज्ञा जी उपदेश में सुनता था, वो ध्यान करवाते थे, तो वो कहते मेरे मन में मैत्री के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे मन में मैत्री के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और मुझे आश्चर्य होता था जब वो कहते थे प्रेम और करुणा अपने मन में जग रही है, मैत्री के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो सचमुच ध्यान के बाद में जो आनंद आता था, मैं कहता था कि सर सचमुच इतना प्रभाव पड़ता है भावनाओं से। बोला प्रवीण, जो संसार में जो कुछ है वो भावधारा पर आधारित है, भावनाओं को बदला जाए। और बोले उसमें एक व्यक्तित्व की जरूरत होती है, उपदेश की जरूरत होती है, क्योंकि कोई न कोई मार्गदर्शता तो होता है। तो आज का जो मार्गदर्शता है, मुझे इसकी, आप यह न समझे मैं किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ, या मैंने उनके बारे में विडम्बना करता हूँ, या मैंने उनको कोई, वो हिंदी में कहते हैं, गुजराती में कहते मस्का लगाते हैं, वो ही नहीं। सीधी साधी बात है कि आज का युग घृणा और द्वेष से भर गया है, उसको प्रेम और मैत्री के संबंधों में बांधने के लिए नरेंद्र भाई महोदय का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। भले वो सत्ता के रूप में एक प्रधानमंत्री हैं, सत्ताधीश के रूप में उनको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते होंगे, परंतु एक निर्णय ये भी तो लें। दूसरे मन की बात यह है कि आर्थिक उन्नति में हम लोगों को नरेंद्र भाई का योगदान बहुत मिल रहा है, परंतु यदि एक और प्रयोग नरेंद्र भाई करें, वो प्रयोग है कि छोटी छोटी बड़ी छाड़ी सारी इंडस्ट्रियों को जोरदार ढंग से सब्सिडाइज कर दें, और आह्वान करें कि आप इस ढंग से फैक्ट्री लगाते हैं तो सरकार के टैक्स वगैरह या तो एबोल्यूश कर दिए जाएंगे, या फिर
आपको कुछ समय के लिए सब्सिडियाँ दी जाएगी, धन दिया जाएगा और वो सब स्ट्रक्चर पर होगा। जैसे कपड़े के उद्योग लगाने वालों को इतनी लूम लगाएं, उसके लिए इंपोर्ट करें, उसके लिए बनाएं, उसके लिए सर्जन करें, वैसे ही सब चीज़ों में, खाद्यान्न में भी, नई नई बातों में भी। और कपड़े की तो मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मैं कपड़े के क्षेत्र से आया हूँ, बाकी सारी लोहे की इंडस्ट्रियाँ हैं और वैज्ञानिक उपकरण है, खिलौने है, जो भी उद्योग, कंप्यूटर है। और एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि अभी जो हमारे पास में मोबाइल उपलब्ध हैं उनमें सबसे बढ़िया ढंग का मोबाइल यदि बन सकता है, यदि इसमें ओरा वाले कैमरे भी लगाए जाए। ओरा के कैमरे लगने से मनुष्य के मन की बात कैमरा पढ़ सकेगा और वो आपको नई दिशा दे सकता है। वो कैमरा एक नई बात बताएगा, जैसे आपको चेहरा पढ़ कर के, आप कांच में जब चेहरा देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो आपके मन में अपने बारे में पढ़ने का, विचार करने का एक विषय उत्पन्न होता है। वैसे ओरा कैमरा वो आपको पढ़ के बताएगा कि आपके मन में ये चल रहा है। खैर, मैंने दो बातें मेरी मन की बात कही है। लोग मन की बात ईश्वर से करते हैं, लोग मन की बात बच्चों से करते हैं, पत्नी से करते हैं, और मैं सबसे करते हुए भी, मैं अपने बहुत ही, जिनके प्रति मुझे श्रद्धा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जब भी उन्हें सुना, उनकी एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है और उस पॉजिटिव ऊर्जा को वो दुनिया के सामने रखते हैं। शायद इसको कोई अन्यथा न लें, मुझे एक व्यक्ति की श्लाघा न समझें, मैंने एक व्यक्ति को उभरते हुए व्यक्तित्व के बारे में सोचा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी आज दुनिया बात मान सकती है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी वाणी में तेज है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी अंदर सच्चाई है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका अंदर सच्चाई से बोलता हो, जिसके अंदर सत्य हो, प्रेम हो, करुणा हो, स्नेह हो, संपदाएं हो और अपनी जनता के प्रति सम्मान और विश्वास हो। हे मित्रों, ये मेरा संदेश यदि आप तक पहुंचा हो तो आपको ये मन की बात प्रधानमंत्री को पहुंची है, यही मान लीजिए, क्योंकि पूरे देश का प्रतिबिंब, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पब्लिक है, मेरा प्रतिबिंब मेरी जनता है। ये सब बातें बहुत है। देखिए, आज का युग बहुत ही बढ़िया, जो मीडिया में अपनी बात कहने का युग आया है उसका शायद फ़ायदा होगा। मैं प्रवीण सुराना अहमदाबाद से कर्णदूष निवारण केंद्र की प्रणेता के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। संसार में बहरेपन के बारे में बड़ी विडंबनाएं और भ्रम फैले हुए हैं और कानून भी बना हुआ है कि डेफनेस इज़ नॉट ए क्योरेबल डिजीज़, परंतु मेरा मानना, मैं 50 वर्षों से यह कार्य करता हूँ, मेरा मानना यह है कि बहरापन कोई रोग नहीं है, वो केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया हमने मेडिकेशन से, रिसर्च मेडिसिन के द्वारा हमने प्रयोग करके हजारों हजारों व्यक्तियों को, जन्म के बहरों को, वृद्धों को, युवकों को, जवान को, बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको सुनते हुए करने का प्रयत्न कर रहे हैं और सफलता बहुत 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 हद तक मिल रही है। यहाँ कह सकता हूँ कि शायद ही कोई केस फेल होता हो। कान में डालने की दवाई या खाने की दवाई है, मैं मानता ही नहीं कि डेफनेस इज़ ए डिजीज़, डेफनेस ब्लॉक नहीं है। और दूसरी बात, हमने जो तत्व ढूंढ निकाला है, हमने जो दवाइयाँ ढूंढ निकाली है, वो कहती है नशे सूखती ही नहीं, नशे सूखेगी तो हमारी प्रक्रिया से एक घंटे में एक व्यक्ति कैसे सुन सकेगा, दवाई डालते ही सुनने लगता है, इसका मतलब क्या, केमिकल चेंजेस है। तो उसका प्रचार विश्व में होना चाहिए, कानून नियमों को भी संशोधित करना चाहिए और सारे विश्व के सामने ऐसी बात रखनी चाहिए जिससे एक महान महान क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके और बहरेपन और कान के रोगों के बारे में विचार बदले। मेरे पास में जब भी कोई फ़ोन आता है तो एक ही घिसी पिसी बात करता है, वो कहता है मरीज को, डॉक्टर कहते हैं नसें सूख गई है,
हड्डियाँ गल गई है, ऑपरेशन करा, सर्जरी करा, मशीन लगवा। मैंने कहा कोई ठीक करने की बात क्यों नहीं करता है? बोले सर संसार में आज तक आपके सिवाय कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ठीक करने की बात कही हो। वो सभी और आज आज के सर्जरी युग में वो लपेट में ले ही लेते, डॉक्टर का काम है। परंतु एक प्रयत्न करें, जैसे अभी मैंने देखा बहुत बढ़िया बात हुई, इस कोविड के युग में प्रधानमंत्री महोदय ने और जनता ने, लोगों ने वैकल्पिक चिकित्सा को साथ में रखा और उसका प्रभाव इतना अच्छा हुआ कि घर घर में वो वैकल्पिक चिकित्सा, मतलब कि ये जो अश्वगंधा, अर्जुना, गिलोई और आदि के प्रयोग करने से सर्दी खांसी तो लगभग समाप्त हो गई है, बीमारियां लगभग जड़मूल से ख़त्म हो रही है, शरीर में तेज ओज चेहरे में आ गया है। आप किसी को मिले, देखिए बीमार होना क्या कारण से हुआ है, कमजोरी से हुआ है, और कमज़ोर के ऊपर सब चढ़ बैठते हैं, कमजोरी मिटेगी तो सब। बातें बहुत लंबी है, इस वीडियो में इतनी ही। मेरी प्रणाम, और फ़ोन नंबर है 9099, फिर दूसरी बार 99, फिर 6720 या 2123245262728 और 29030 तक के सभी नंबर अविरत सेवा में ही चालू रहते हैं। और हमारे यहाँ पर पूरी टीम बनी हुई है, वो काउंसलर है, ट्रेनर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर टीम बहुत बढ़िया है, ट्रेनर बहुत बढ़िया है, प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत बढ़िया है, सभी मिलकर के मेरे इस बहुत ही स्वप्न, मेरा ये ब्रेन चाइल्ड बहरापन का जो प्रोजेक्ट है।